जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा पूर्ण बहुमत लाकर इतिहास रच रही है, लेकिन भाजपा के इस जीत पर विपक्ष जमकर आरोप भी लगाता है। चाहे सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी हो या फिर उसी की सहयोगी दल शिवसेना ही क्यों ना हो, सभी एक सुर में बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी करती है तभी तो वो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करती है। वहीं आज फिर शिवसेना ने चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में हेराफेरी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि मतदान के वर्तमान तरीके से लोगों का भरोसा उठ रहा है। साथ ही शिवसेना का कहना है कि बेंगलुरु में जो पहचान पत्र मिले हैं उससे साफ है कि चुनावी स्तर कहां तक पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बेशक कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती हो, लेकिन उनके विचारों में और भाजपा के विचारों में बहुत फर्क है। बता दें, इस दौरान शिवसेना ने भाजपा और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई और आरोप लगाया कि कांग्रेस भी अपने शासन के दौरान ऐसे कदाचार में शामिल रही थी। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।